द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में बात कर ले हम क्लैडोड, क्लैडोड ठीक, दिस इज एंड। हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लैडोड की, क्लियर है ना जी। चलिए तो मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम में एंड द टर्म इज देयर क्लैडोड, सुनेंगे क्लैडोड को। क्लैडोड क्या हुआ, दिस इज आल्सो बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम वेयर स्टेम ग्रीन, नो डाउट्स स्टेम इज ग्रीन सो कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट हियर स्टेम बेयरिंग ए वन और टू और थ्री नोड इंटरनोड्स, इन केस ऑफ फाइलोक्लेड्स इट कैन बेयर मेनी, इन फाइलोक्लेड्स स्टेम हैविंग मेनी नोड इंटरनोड्स, बट इन केसेस ऑफ क्लैडोड, क्लैडोड की जो कंडीशन वो क्या है, इन केसेस ऑफ क्लैडोड स्टेम हैविंग वन टू और थ्री नोड्स इंटरनोड्स ग्रीन है, नो डाउट एज इन केसेस ऑफ एस्पेरेगस ओनली सिंगल नोड इज देयर, सिंगल नोड इंटरनोड इज देयर, व्हाइल इन केस ऑफ रस्कस टू नोड इंटरनोड्स आर देयर। एग्जांपल दिया है तो एस्पेरेगस है, रस्कस है, डायग्राम देखिए, डायग्राम जो आपको दिख रहा है तो डायग्राम देखिए, लंबे लंबे शूट जो आपको दिख रहा है वो एस्पेरेगस के, ओनली वन नोड इंटरनोड, ओनली वन नोड इंटरनोड ऑफ एस्पेरेगस, जो दूसरा आप इसके जो साइड में दिख रहा है वो उसका प्लांट है, ये देखो तो जो एस्पेरेगस का प्लांट हो गया, ये इसका स्टेम्स ग्रो कर रहे हैं। तो व्हाट इज क्लैडोड, क्लैडोड हुआ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम, स्टेम इज ग्रीन ऑफकोर्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक, वेयर स्टेम हैविंग वन टू और थ्री नोड इंटरनोड्स, वेरी फ्यू नोड इंटरनोड्स आर देयर, एज इन केसेस ऑफ एस्पेरेगस, हिंदी में एस्पेरेगस को बोलते हैं सताबर, सताबर, इन एस्पेरेगस वन नोड इंटरनोड इज देयर, इन केस ऑफ रस्कस टू नोड इंटरनोड्स आर देयर, क्लियर और नॉट, ये एस्पेरेगस की कहानी है, ठीक है, इसे निकाल दे हम, हटो भाई तुम भी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम का ही, अब एरियल ही है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम थॉर्न, लिखिए थॉर्न, डायग्राम देखिए क्या शानदार थॉर्न लगे हैं आपके, ठीक, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम का दिस इज थॉर्न। अब थॉर्न क्या हुआ आपका, देखिए हमने कहा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम अराइज फ्रॉम एक्सिल, ओके, यानी थॉर्न है कहां से डेवलप हुए, एक्सिल से, थॉर्न बियरिंग, थॉर्न कैन हैव वास्कुलर सप्लाई, दे कैन बियर फ्लावर्स, दे कैन बियर लीव्स, थॉर्न इन सम केसेस, ठीक, फ्लावर कैन बियर, थॉर्न कैन बियर फ्लावर, दे कैन बियर लीव्स, तो थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अराइज फ्रॉम एक्सिल हैविंग वास्कुलर सप्लाई, दे कैन बियर फ्लावर, फूल एंड काटे मूवी हो सकते हैं सीसीआई हो, ते दे कैन बी एयर फ्लावर, दे कैन बी एयर लीव्स, ऑफकोर्स थॉर्न है तो थॉर्न किसके लिए होंगे, फॉर प्रोटेक्शंस, ठीक, प्रोटेक्शंस के लिए फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स और फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स, उनसे प्रोटेक्शंस के लिए, इज इट अ नॉट दी आर द थॉर्न। अब देखिए यहाँ जब यहाँ थॉर्न पढ़ी लिया तो थॉर्न जैसे लाइक थॉर्न ऑफ अकेसिया में आप देखे तो मॉड, ठीक, तो मॉडिफिकेशन ऑफ ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, एज आई टू एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे हम देखे अकेसिया है, बोगेन बिलिया, तो अकेसिया आप देख सकते हैं, बोगेन बिलिया, गार्डन ग्लोरी बोलते हैं बोगेन बिलिया को, तो बोगेन बिलिया में देख सकते हैं आप, ठीक, डूरेंटा, डूरेंटा, कैरिसा, कैरिसा एंड अलहैगी, किसमें अलहैगी, तो हमको जो मेनली याद रखना है दैट इज बोगेन बिलिया एंड अकेसिया, तो अकेसिया एंड बोगेन बिलिया मेनली यूज करना है टर्म, अदर्स आर दिया ड्यूरेंटा, कैरिसा एंड अलहैगी आल्सो, हमें दो मेनली याद रखनी, गेटिंग ऑन नॉ दे आर थॉर्न। अब थॉर्न की बात हुई है, देखिए अदर मॉडिफिकेशन अदर में पढ़ाने हैं लेकिन हम कुछ टर्म यहाँ कंपेरेटिव यूज कर रहे हैं, थॉर्न एक टर्म होता है प्रिकिल, प्रिकल्स नहीं, अचार नहीं, प्रिकिल, तो प्रिकिल एंड स्पाइन, थ्री टर्म, तीनों काट हैं आपके अकॉर्डिंग, थॉर्न prickles and spine, thorn हुआ modification of stem, एक्चुअली वर्ष ग्रो कर रहा है, prickles जो होते हैं दे ग्रोन ऑन epidermis, वो epidermal supply पर है, ते appendage से prickles दे ग्रोन ऑन epidermis ओनली, जिससे आपके हमने कहा ना रोज, तो रोज में जो लगे होते हैं काटे वो prickles है, prickles पर आपको ना vascular supply मिलेगी ना leaves flower कुछ नहीं मिलेगा, ठीक, वो सिर्फ epidermis के appendage से, prickles of course for protections from the grazing animals or others, उनसे बचा सकते हैं, spine they are the modification of leaves, तो spine किसकी modification है, spines are modification of leaves to reduce transpiration, आप देखेंगे cases of xerophytic plants वहां पर leaves modified into
स्पाइन टू रिड्यूस वाटर लॉस. तो ये तीनों काटे हैं, ठीक है, सब डिफरेंसेस आर देयर. थॉर्न, देयर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. इन केसेस ऑफ आपके प्रिकल्स, एपिडर्मल अपेंडिजेस आर देयर. और इन केस ऑफ स्पाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. क्लियर आर नॉट प्रोटेक्टिव मेजर्स, ठीक है, हमें याद रखने. तो आपने थॉर्न का डायग्राम देखा है, ठीक, ये आप प्रिकल का डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए प्रिकल्स लगे हैं, एज इन केस रोज आपको प्रिकल दिख जाएंगे इस तरह से, दिख रहे हैं, ठीक. और आप देखना चाहें तो इनके स्पाइन, कोई कैक्टस का डायग्राम लगा देते हैं, इसे हटाओ, कैक्टस डायग्राम यू कैन अप्लाई है. देखो आप कैक्टस में जो काटे दिख रहे हैं, दे आर स्पाइन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. क्लियर और नॉट, इसको देखिए हटा दिए हम, निकालो भाई. चलिए नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम. एक दिखा होता है स्टेम टेंड्रिल, ठीक है, यानी स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो लिख दें स्टेम टेंड्रिल एज इन केस ऑफ विटिस विनिफेरा ग्रेप्स. तो विटिस में दिख जाएगा पैसिफ्लोरा, तो विटिस है, पैसिफ्लोरा है. देयर यू कैन सी डायग्राम, देखो आप जरा, ये आपको ग्रेप विन, ग्रेप जो है ना, ग्रेप की वाइन दिख रही है, और आपका एक उसकी देखो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में ऑब्जेक्ट सी. तो इन केस ऑफ ग्रेप विटिस विनिफेरा पैसिफ्लोरा, हियर स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर टेंड्रिल. दिस टेंड्रिल केम इन कॉन्टेक्ट विद सम सपोर्ट्स, ठीक, एनी ऑब्जेक्ट एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, ठीक, ये उस पर क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. उनके डिफरेंट मॉडिफिकेशन आर देयर, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक. ये मॉडिफाइड लीव के हो सकते हैं, लीफलेट के हो सकते हैं, ठीक, स्टिप्यूल्स के हो सकते हैं, लीफ टिप के हो सकते हैं, पीटियोल के हो सकते हैं, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस. डन और नॉट जी, हेयर इनके स्टेम पढ़ रहे हैं, तो स्टेम मॉडिफिकेशन एज इन केसेस ऑफ विटिस विनिफेरा पैसिफ्लोरा. डायग्राम में यू कैन सी, डायग्राम वाइज अगर आप देखें तो देखो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच हो गए आपसे. ये है आपके स्टेम टेंड्रिल. डन और नॉट जी, बिल्कुल क्लियर हुआ. आगे बढ़ जाओ मैं, ठीक, एक और मॉडिफिकेशन में आगे देखो आप एरियल में ही, ठीक, इसे हटाए, चलो तुम हटो. ये टर्म देखो आप, इन केसेस ऑफ टर्म आप यूज करते हैं क्या, बुल बिल. क्या टर्म यूज करते हैं, बुल बिल्स. रिप्रोडक्टिव बर्ड है, रिप्रोडक्टिव बर्ड है, यहाँ इसलिए पड़ा क्योंकि एरियल स्टेम के पास लगा है. तो बुलबिल, दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड. बुलबिल कौन हुई, अ कंडेंस्ड एक्सिलरी बर्ड, एक्सिल से अ कंडेंस्ड एक्सिलरी बर्ड फॉर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड, और क्या है, अ कंडेंस्ड एक्सिलरी बर्ड फॉर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसको तोड़कर आप लगा दीजिए, इट कैन यूटिलाइज अ न्यू प्लांट. आप डायग्राम में देखिए जरा, ठीक, तो मैंने कहा बुलबिल, डायग्राम में देखिए ओपनसिया, ओपनसिंग का आपको एक सुंदर सी एक बर्ड दिख रही है आपको, देख रहे हैं, ये ओपनसिया कैक्टस, कैक्टस के ऊपर देखो छोटी सी लगी हुई है, ये ओपनसिया की बुलबिल है. क्लियर, इट कैन यूटिलाइज अ न्यू प्लांट. इसको निकाल दो, एक्सिलरी बर्ड स्टेम में इसलिए पड़ रहे हैं, इसे हटाओ. दूसरी लगाओ अगेब, अगेब की बर्ड देखो, तो अड़ी में देखो मैं ऐसे पकड़ी हुई हूँ, इसे पकड़े हुए तो आप देखो नीचे एक जो है उसमें से रूट्स निकल रही हैं, इज इट ए बुलबिल है, बुलबिल ऑफ अगेव. तो हमें याद रखना है, तो एग्जाम्पल ऑफ पैसिफ्लोरा, डायोस्कोरिया ग्लेबा अगेव ऑक्सालिस. गड़े कितने सारे नेम्स हो गए आपके, एज इन केसेस ऑफ पैसिफ्लोरा, डायोस्कोरिया ग्लेबा अगेव ऑक्सालिस. मेनली पढ़ना है हमें अगेव एंड ऑक्सालिस, ये दो अभी तक ज्यादा आए हैं बुलबिल में. गेटिंग और नॉट, इस डायग्राम क्लियर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, निकाल दो इस डायग्राम को, ठीक. चलिए इस डायग्राम को हटाइए और नया मॉडिफिकेशन लगा दिए. चलिए यदि बात क्लियर है, बोलो एनी कंफ्यूजन फ्रॉम हियर, गेटिंग और नॉट कैन बी मूव अहेड. लिसन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम. वी डिस्कस अबाउट सब एरियल स्टेम, सम एरियल स्टेम आल्सो, ठीक. अभी कुछ एरियल स्टेम अलग टाइप से भी पढ़ेंगे, मतलब जैसे उनके पोजिशन के बेसिस पे एरेक्ट है कि प्रोस्ट्रेट है, ठीक. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, चलिए तो मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं. तो इन मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम व्हाट वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट राइजोम, कॉर्न, क्या क्या राइजोम, कॉर्न, बल, बात क्या बल एंड ट्यूबर. तो राइजोम, कॉर्न, बल एंड ट्यूबर, इनकी बात करनी है. डिगेडिंग
स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम। राइजोम को देखती है, डायग्राम लगाइए, जिंजर वाला देखिए, मस्त जिंजर का डायग्राम दिख रहा है आपको। तो इन केसेस ऑफ आपके राइजोम, एग्जाम्पल वाइज जैसे हमने कहा था बनाना, टर्मेरिक, फर्न एंड ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा टर्मेरिक, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं इसमें। ओके, वन बाय वन डिस्कस करें, पहले राइजोम की बात समझे। राइजोम क्या हुआ, दिस द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक, तो एक सॉइल सरफेस है, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम वेयर स्टेम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, वेयर स्टेम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली, ऑब्लिकली अपवर्ड, वेयर स्टेम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली अपवर्ड, दो टर्म, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम वेयर स्टेम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड राइजोम। इफ स्टेम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टल ग्रो करे इस तरह से, इफ स्टेम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, तो इसे क्या टर्म यूज करेंगे हम, स्ट्रैगलिंग, क्या टर्म यूज कर रहा हूं, स्ट्रैगलिंग, तो इसे हम टर्म यूज करेंगे स्ट्रैगलिंग, ठीक है। बट इफ इट इज ग्रोइंग ऑब्लिकली अपवर्ड इस तरह से, देन वी विल यूज द टर्म रूट स्टॉक, तो इसे टर्म यूज करेंगे हम रूट स्टॉक। बात समझ आई कि नहीं, व्हाट आई टोल्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, हेयर स्टेम कैन ग्रो हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली, हेयर स्टेम कैन ग्रो हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली, ऐसे ग्रो कर सकता है। इफ ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली स्ट्रैगलिंग, इफ ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली स्ट्रैगलिंग, एज इन केसेस ऑफ जिंजर, एज इन केसेस ऑफ लोटस, इन केस ऑफ टर्मेरिक, ये स्ट्रैगलिंग है। बट इफ इट इज ग्रोइंग ऑब्लिकली, तिरछा ग्रो कर रहा है, then it is called root stock, as in cases of banana, देखिए आगे बनाना है, मैंने last time I discussed कि banana we will study in sucker, देखो यहाँ जो oblique grow कर रहा है, इसे root stock नाम है, ठीक, वहाँ proper oblique के लिए ही term है sucker, तो हम sucker में पहले use करेंगे, अगर rhizome option में ना है, मतलब पहले sucker, second option rhizome, का root stock, तो banana, ठीक, तो आपके यानी, तो examples की अगर मैं बात कर लूँ, तो एग्जाम्पल्स इन केसेस ऑफ स्ट्रैगलिंग, स्ट्रैगलिंग का एग्जाम्पल जिंजर, टर्मेरिक, बात है ना, तो जिंजर हो गया, टर्मेरिक, लोटस, जिंजर, टर्मेरिक, लोटस, इन केसेस ऑफ रूट स्टॉक बनाना, बात क्लियर, ड्रायप्टेरिक्स, बनाना, ड्रायप्टेरिक्स, ये ऑब्लिक चलती है, तो आपको बना, ये वाले एग्जाम्पल क्लियर हुआ आपका, जिंजर वाला, ठीक, इसको हटाओ, इसे निकाल लो जरा, रूट स्टॉक के एग्जाम्पल लगाएं, ये देखिए रूट स्टॉक ऑफ ड्रायप्टेरिस, ये ड्रायप्टेरिस दिख रहा है, देख रहे बढ़िया से एकदम ऑब्लिक निकलती है तिरछी, तो ये रूट स्टॉक ऑफ ड्रायप्टेरिस है, डन और नॉट, क्लियर, ठीक, ये ड्रायप्टेरिस, अगर मैं इसी में फिर से वो लोटस वाला डायग्राम देखना हो तो राइजोम ऑफ, ठीक, लोटस देखो आप, ये राइजोम ऑफ लोटस है, डन और नॉट, क्लियर, स्ट्रैगलिंग हॉरिजॉन्टल, रूट स्टॉक ऑब्लिक, स्ट्रैगलिंग जिंजर, लोटस, टर्मेरिक, हम बात करें किसकी, रूट स्टॉक बनाना, ड्रायप्टेरिस, डन और नॉट, क्लियर रही है विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बात करते हैं, चलेंगे डायग्राम हटाओ, हटो भाई,